हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा, ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 15 ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आप अपने गोवा टूर प्लान के दौरान आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों प्लेस का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें इंक्लूड होगा बीच, फोर्ट, टेम्पल, नाइट मार्केट, एडवेंचर एक्टिविटी, सारे ऑल इंक्लूड होगा। और इसके साथ इंक्लूड होगा ऑफबीट प्लेसेस लाइक नेचर साइट, बिल्कुल बीच साइड को छोड़ के नेचर साइड का भी कुछ प्लेस इसमें इंक्लूड किया है। गोवा में टूरिस्ट प्लेस बहुत है, पर उनमें से जो बेस्ट आपको विजिट करना चाहिए वही ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, और आप अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 15 में है दूध सागर वाटरफॉल। ये साउथ गोवा में स्थित भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। पेंजिम से दूध सागर वाटरफॉल का जो डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर बाय रोड डिस्टेंस है। ये वाटरफॉल का जो हाइट है 1017 फीट का हाइट है, और ये वाटरफॉल को इंडिया के सबसे बड़ा वाटरफॉल में से भी गिना जाता है। यहाँ आप साल भर में कभी भी आप विजिट कर सकते हो। सीजन के टाइम पे आपको जीप सफारी का ऑप्शन मिलता है, और ऑफ सीजन में मानसून के दौरान आप ट्रैक कर सकते हो, लोकल गाइड को लेके यहाँ पे ट्रैक करके आ सकते हो। यहाँ का नेचर, जीप सफारी और ये वाटरफॉल का नज़ारा एंजॉय करने के लिए हर रोज हजारों टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और अपना डे स्पेंड करते हैं, और यहाँ पे स्विमिंग एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। नंबर 14 काबो दे रामा फोर्ट और काबो दे रामा बीच। जी हाँ दोस्तों, ये पेंजिम सिटी से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है साउथ गोवा में। पुर्तगालियों के टाइम का ये फोर्ट है। हालांकि इसका जो आर्किटेक्चर है अभी कुछ आपको खास देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ से जो व्यू देखने को मिलेगा दोस्तों अपने आप में अलग है। बिल्कुल जो समुंदर का व्यू है और हिलटॉप व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है। और इसके बगल में ही है काबो दे रामा बीच और पेबल बीच। ये भी बीच आप विजिट कर सकते हो, बहुत ही प्राइवेट टाइप बीच है। बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा क्राउड आपको दिखेंगे नहीं, जैसे कि आपको पता है साउथ गोवा में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये बीच में जाके आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हो। नंबर 13 ओल्ड गोवा। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्लेस है पुर्तगालियों के टाइम पे ये गोवा के कैपिटल हुआ करता था। अभी हालांकि कैपिटल पेंजिम सिटी है, पर ये प्लेस जो है ओल्ड गोवा, ये चर्च के वजह से फेमस है। ये प्लेस में आपको पुर्तगालिया का जो आर्किटेक्चर है चर्च में आपको दिखेगा। बेसिलिका बॉम जीजस, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी अभी भी वहाँ पे है, उसको विजिट करने के लिए हजारों टूरिस्ट एवरीडे आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा विजुअल में। ये चर्च में अभी भी सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी यहाँ पे है, और इसके ऑपोजिट है से कैथेड्रल चर्च। यहाँ पे आपको पुर्तगालियों का आर्किटेक्चर और म्यूजियम भी, आपको पुर्तगालियों का हिस्ट्री, गोवा के हिस्ट्री के बारे में एक म्यूजियम भी है, ये भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे सेंट अगस्टिन टावर, ये एक चर्च हुआ करता था। फिलहाल अभी ये कोलैप्स होके सिर्फ एक कॉर्नर का एक टावर जैसा एक पिलर बचा है, उसको देखने के लिए और इसका आर्किटेक्चर को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे भी जाते हैं। और हालांकि यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवी शूट किया गया है, जिसके वजह से और भी टूरिस्ट ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 12 पेंजिम सिटी। यहाँ पे सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस पे आपको बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने का ऑप्शन मिलता है। उनमें से एक है पेंजिम चर्च, जो सिटी के सेंटर में है। पेंजिम चर्च बहुत ही फेमस, मैक्सिमम बॉलीवुड मूवी यहाँ पे शूट होता ही है। सेकंड में है यहाँ से दोनापाल बीच, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हो।
मीरामार बीच जो कि फैमिली टाइप बीच है, यहाँ पे आपको डॉल्फिन क्रूज का भी ऑप्शन मिलता है। और इसके बाद है फॉन्टेनस एरिया। ये एरिया जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो घर है सारे पोर्तुगीज स्टाइलों का सारे आर्किटेक्चर है। घर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन का घर है, कलरफुल यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर दिखेगा। ऐसे लगेगा आपको आप कहीं एक यूरोपियन कंट्री के एक सिटी में आ गए जैसे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अपना फोटोशूट, वेडिंग फोटोशूट, इंस्टा रील यहाँ पे शूट करने के लिए आते हैं। बेस्ट टाइम यहाँ पे आने के लिए आप गोल्डन आवर में आए, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग को आए। धूप के टाइम पे इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद मार्केट एरिया, बिल्कुल पेंजिम का जो मार्केट है सबसे सस्ता, और सारे चीज़ें आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ऑप्शन मिलता है, जैसे कि लिकर, कैजुनट, कपड़ा वगैरह यहाँ पे आप बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हो। और उसके बगल में है फ्लोटिंग कैसिनोज। जी हाँ दोस्तों, पेंजिम सिटी जो है कैसिनो के वजह से फेमस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट कैसिनो के लिए आते हैं। और सारे फ्लोटिंग कैसिनोज जो है मांडवी रिवर में है। कैसिनोज का वीडियो आपने देखा नहीं तो जाके चेक कर लीजिएगा, डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा। क्रूज का भी मजा आप यहां पे ले सकते हो मांडवी रिवर में। नंबर 11, वागातोर बीच। ये जो बीच है दोस्तों नॉर्थ गोवा के एक फेमस बीच में से एक है। यहाँ पे आपको बीच के साथ सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ आपको हिल टॉप व्यू भी यहाँ से आपको मिलेगा देखने के लिए। जो व्यू है बहुत अच्छा है, सनसेट यहाँ से आपको क्लियर और बहुत अच्छा व्यू के साथ देखने को मिलेगा। और इसके हिल टॉप में बहुत सारे नाइट मार्केट और बहुत सारे म्यूजिक इवेंट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके बगल में ही जो है लेफ्ट में लिटिल वागातोर, जो ओजराव बीच के नाम पे फेमस है, ये भी कनेक्टेड है। और ये बीच के साइड में जो रॉक फॉर्मेशन है, ये आपको फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। नंबर 10, बंजी जंपिंग इन गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में ये एडवेंचर एक्टिविटी भी आप ट्राई कर सकते हो। ये जो है ये मायम लेक में होता है, पेंजिम से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये ऑप्शन आपको मिलता है। आपको अगर एडवेंचर एक्टिविटी लवर हो, आपको एडवेंचर ट्राई करना है गोवा में, आप मायम लेक तक आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बंजी जंपिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। और इसका जो हाइट है दोस्तों 70 मीटर का हाइट है। बिल्कुल आप अगर एडवेंचर लवर हो तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। नंबर 9, हार्वेलिम वाटरफॉल। ये साकेलिम एरिया में पड़ता है, पेंजिम से 32 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ये वाटरफॉल के लिए। ये वाटरफॉल ज़्यादा करके मानसून के दौरान ही एक्टिव होता है, और बहुत अच्छा व्यू और उसके साइड में ही ये केव का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। नंबर 8, अरंबोल बीच, जिसको रशियन बीच के नाम पे भी जाना जाता है। ये जो प्लेस है नॉर्थ गोवा में पड़ता है, पेंजिम सिटी से 35 किलोमीटर डिस्टेंस आपको नॉर्थ के एंड पे जाना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको फॉरेनर्स, रशियंस वगैरह यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शंस होता है, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रीट मार्केट हो या फिर फ्ले मार्केट अपने आप में अलग है और बहुत फेमस है। और बीच साइड में भी यहाँ पे आपको ज़्यादा करके फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हालांकि हिल टॉप एरिया में यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का ऑप्शन है जो कि एडवेंचर एक्टिविटी है, और बीच में यहाँ पे कायाकिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि फायर डांस हो गया, ये बीच साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द फेमस बीच इन नॉर्थ गोवा आप बोल सकते हो। नंबर 7, चपोरा फोर्ट। ये फोर्ट पेंजिम से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वागातोर बीच के बगल में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको सनसेट व्यू पॉइंट बहुत गजब का देखने को मिलता है।
और आपको पता रहेगा दिल चाहता है मूवी का जो शूटिंग यहाँ पे किया गया था, जिसके वजह से ये जो फोर्ट है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। नंबर 6 अगोंडा बीच। पेंजिम सिटी से 70 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अगोंडा बीच के लिए। ये बीच जो है दोस्तों कपल्स के लिए बेस्ट है। ये साउथ गोवा में हालांकि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं। वाइट सैंड और नीट एंड क्लीन पानी और उसका जो साइड का जो रॉक फॉर्मेशन का व्यू है फोटोशूट के लिए अपने आप में अलग है। और ये बीच के फ्रंट में ही आपको बहुत अच्छे अच्छे रेट में कॉटेजेस जो कि कपल्स के लिए बेस्ट होता है यहाँ पर आप जा सकते हो और अपना प्राइवेट टाइम, हनीमून कपल्स हो या फिर फैमिली में हो तो प्राइवेट टाइम यहाँ पे आपको स्पेंड करने के लिए ऑप्शन मिलता है। नंबर 5 फ्राइडे नाइट मार्केट। जी हाँ दोस्तों, नाइट मार्केट आपको अगर गोवा में घूमना है, हालांकि अभी सैटरडे नाइट मार्केट बंद है, इसके लिए फ्राइडे नाइट मार्केट ऑर्गेनाइज होता है वागातोर के हिलटॉप एरिया में। यहां पे आपको डिफरेंट कंट्री का फूड वगैरह आपको टेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो स्टॉल है मैक्सिमम आपको दिखेंगे फॉरेनर्स यहां पे अपना अपना स्टॉल जो शॉप वगैरह डाल के बैठे, तो वहां पे जाके आप ये मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फूड यहां पे आप टेस्ट कर सकते हो। नंबर 4 में है अंजोना बीच। नॉर्थ गोवा के वन ऑफ द फेमस बीच है ये। पेंजिम सिटी से आपको 20 किलोमीटर अंदर नॉर्थ गोवा के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ के बीच साइड शेक या फिर हर्ड्स में बैठ के आप अपना फूड और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। नंबर 3 बागा बीच। बागा बीच जैसे ही दोस्तों आपको पता है नॉर्थ गोवा के वन ऑफ द फेमस बीच है। ये जो बीच है दोस्तों अपने नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स के वजह से फेमस है। बागा बीच के आसपास आपको बहुत सारे क्लब मिलेगा, जैसे कि हैमर्स क्लब, ब्रिटोस, टीटोस लेन, ये जो है फेमस प्लेस है जिसके वजह से बागा बीच टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। नंबर 2 में है पालोलिम बीच। पालोलिम बीच दोस्तों साउथ गोवा में पड़ता है। पेंजिम सिटी से 70 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा पालोलिम एंड में। गोवा के वन ऑफ द सुंदर बीच में से एक है, बहुत ज़्यादा सुंदर बीच है। यहाँ पे आपको हालांकि सारे वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होता है जैसे कि कायाकिंग हो गया, डॉल्फिन क्रूज हो गया, ये जो कुछ एक्टिविटी है, बोट ट्रिप हो गया, ये अपने आप में अलग है। और यहाँ का डॉल्फिन बोट ट्रिप आपको मिस नहीं करना है। ये बोट ट्रिप के जरिए आपको बहुत अच्छा सुंदर सा व्यू आपको एंजॉय करने को मिलेगा। इवनिंग टाइम पे ये करें, सनसेट के साथ ये व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। नंबर 1 में है फेमस कलंगूट बीच। इसके आसपास में आपको कांदोलिम बीच, सिंकेरिम बीच और अगवाड़ा फोर्ट 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे प्लेस कवर हो जाता है। ये साइड में आप देखोगे तो टीटोस लेन और बागा भी आपको एक ही लेन में आ जाता है। तो ये प्लेस सबसे फेमस है, ज़्यादातर टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट इसके आसपास ही अपना टूर प्लान या फिर स्टे प्लान करते हैं। यहाँ का जो वाटर स्पोर्ट्स है अपने आप में अलग है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलता है वाटर स्पोर्ट्स का, प्राइस भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा और सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो। और नाइट लाइफ कलंगूट और बागा का सबसे फेमस और बहुत ज़्यादा हैपनिंग यहाँ पे होता है। तो आप अगर पार्टी करने के लिए गोवा आ रहे हो और आपको हैपनिंग नाइट लाइफ चाहिए तो कलंगूट या फिर बागा बीच आपके लिए बेस्ट है।
तो ये था दोस्तों गोवा के टॉप 15 मस्ट विजिट प्लेस जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और आप अगर चैनल में नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि ऐसे वीडियो जैसे मैं बनाऊँ और अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और टाइम पर आप वीडियो को देख सकते हो। आप ऐसे मेरे साथ बने रहे, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे, धन्यवाद।